दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिलाएं गंजी क्यों नहीं होती हैं या उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है? अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं फैक्ट वन। इस चैनल के ऊपर हम फैक्ट से रिलेटेड मनोरंजक वीडियो लेके आते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब हम आपको उस टॉपिक पे ले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी महिला को नहीं देखा होगा जो गंजी हो। हाँ, उसके बाल जरूर कम रहे होंगे लेकिन आपने गंजी महिला को नहीं देखा होगा। लेकिन इसके उलट पुरुषों में गंजापन एक बिल्कुल आम बात हो चुकी है और उसका कारण होता है जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर समय समय के ऊपर बदलाव होता रहता है। इसी कारण हमारे जो है बाल गिरते रहते हैं। पुरुषों के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स पाया जाता है जो महिलाओं के अंदर नहीं पाया जाता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और वो जो है पुरुषों के अंदर धीरे धीरे करके उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता रहता है और उसी कारण जो है पुरुषों के बाल धीरे धीरे करके कम होते रहते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब गंजे हो जाते हैं। जबकि ये हार्मोन्स जो है महिलाओं के अंदर नहीं पाया जाता है और उनके अंदर कई ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिनके कारण उनके बाल गिरते तो ज़रूर हैं लेकिन वो गंजे नहीं होते हैं। लेकिन पुरुषों का ये मुख्य हार्मोन्स होता है और इसी कारण जो है इसके कम होने के कारण ही पुरुष जो है गंजे हो जाते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ना सुना हो किसी महिला को हार्ट अटैक आया हो, लेकिन आप पुरुषों के बारे में ऐसा सुनते रहते हैं। महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। महिलाओं का जो दिल होता है वो पुरुषों की तुलना में छोटा होता है और उसकी आंतरिक संरचना थोड़ी अलग होती है जिसके कारण उसके चैम्बर को जो बांटने वाली दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। इसके कारण महिलाओं के जो हार्ट होता है उसको पूरे शरीर के अंदर खून पहुँचाने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ता है पुरुषों की तुलना में। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो हार्ट होता है वो 10% कम जो है रक्त जो है फेंकता है और उसी कारण जो है महिलाओं का जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत छोटी अवधि का होता है और उनको पता भी नहीं चल पाता। जबकि पुरुष का जो हार्ट होता है वो काफ़ी तेज़ी से जो है रक्त को फेंकता है। इसके कारण जो है पुरुषों का जब हार्ट अटैक होता है तो उनको चेस्ट में पेन होता है और उनको पता चल जाता है कि अभी अभी हमें हार्ट अटैक आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता है, आता है लेकिन वो जान नहीं पाती हैं। इसके अलावा महिलाओं के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया के अंदर जितनी मौतें हार्ट अटैक से होती हैं उसमें कितनी जो है महिलाएं होती हैं, तो वो जो होती हैं वो 14% होती हैं, जबकि 86% जो होते हैं वो जो है वो पुरुष होते हैं। पूरी जो जितनी भी दुनिया के अंदर हार्ट अटैक से मौतें होती हैं उसमें, इसके अलावा जो पुरुषों का रहन सहन है वो भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे पुरुष हैं जो शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं तथा बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। अगर इसके उलट हम देखें तो महिलाएं बहुत कम मात्रा में हैं जो शराब का सेवन करती हैं या धूम्रपान करती हैं। इसलिए जो है पुरुषों में हार्ट अटैक ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, महिलाओं के अंदर हमें कम देखने को मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं के अंदर हमें हार्ट अटैक के लक्षण कम क्यों देखने को मिलते हैं। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप भी हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर आप किसी महिला के साथ शॉपिंग पे गए हैं तो आपको ये दिक्कत जरूर रही होगी। महिलाएं जो होती हैं बहुत सारे रंग जो है पहचान लेती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनकी तुलना में उतने रंग पहचान नहीं पाते हैं और उसका जो कारण होता है वो हम आपको बताते हैं। महिलाओं के आँख के अंदर जो रेटिना होती है वो पतली होती है जिसके कारण वो बहुत सारे रंग पहचान सकती हैं, जबकि पुरुषों के अंदर जो रेटिना होती है वो मोटी होती है और उसकी खासियत ये होती है कि वो दूर तक देख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा रंग नहीं पहचान सकते हैं। महिलाओं की रेटिना पतली होती है इसी कारण वो ज़्यादा कलर पहचान सकती हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें हिम्मत मिले और हम आपके लिए और नए वीडियो लेके आ सकें। अब हम बात करते हैं महिलाएं ज़्यादा साल तक क्यों जीती हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि महिलाओं की उम्र पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है और उसका मुख्य कारण जो होता है महिलाओं में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएँ होती हैं और इसी कारण महिलाएं ज़्यादा सालों तक जी सकती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं और वो शांति से सारी चीज़ें करना पसंद करती हैं, शायद इसलिए भी वो ज़्यादा साल तक जी जाती हैं। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उनका जो खान पान होता है, रहन सहन होता है और वो बाहर ज़्यादा काम करते हैं, ये भी एक वजह होती है कि वो कम साल तक जीते हैं। इसके अलावा वो धूम्रपान करते हैं और बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर बात करें हम महिलाओं की तुलना में, ये भी एक कारण होता है महिलाओं की जो है उम्र ज़्यादा होने का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट के बारे में, जो वो है कि महिलाओं की आवाज़ जो होती है उतनी सुरीली क्यों होती है, पुरुषों की आवाज़ इतनी भारी क्यों होती है। जबकि
10 से 12 साल तक अगर आप देखते होंगे तो दोनों की आवाज़ लगभग लगभग सिमिलर होती है। तो उसका कारण जो होता है वो हार्मोनल चेंज होते हैं जो बॉडी के अंदर आते हैं, और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक एक जो है हार्मोन होता है जो किशोरावस्था में प्रभावी हो जाता है और शरीर के अंदर कई प्रकार के जो है चेंजेस लेके आता है, और इसी कारण पुरुषों के गले की बनावट भी चेंज होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी हो जाती है। लेकिन महिलाओं में जो है ये हार्मोन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो है गले की बनावट नहीं चेंज होती है और उनकी आवाज़ जो है पतली ही रहती है। इसके अलावा जो संरचना होती है महिलाओं के गले की वो थोड़ी दूसरी होती है, जिसके कारण उनकी जो कोशिकाएँ होती हैं गले में वो ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसके कारण ही जो है महिलाओं की आवाज़ जो है मधुर हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो हमने आपको फैक्ट बताए जो आपने कभी दिमाग में सोचे होंगे, और उन सारे फैक्ट का हमने आपको उत्तर दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ में, क्योंकि अगर आपको फैक्ट पसंद आया होगा तो दूसरों को भी पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।